से लोगों का प्यार मिला। क्या आपको लगता है कि महेंद्रगढ़ में आपको कितना प्यार, जितना आपने सोचा था उतना मिला? जी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे मिला। और मैंने देखा कि महेंद्रगढ़ के लोग बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही उत्सुक हैं, और महिलाओं में जो उत्साह था वो कमाल का था। नीचे नाड़ कर करके आपको मालाएं पहननी पड़ रही थी, महिलाएं स्पेशल सेल्फी के लिए आ रही थी। जी जी बिल्कुल। देखिए, 15 सालों से महिलाएं मुझे टीवी पे देखती आई हैं, गाने सुनती आई हैं, उनके घरों में शादियां होती हैं, जो भी कोई ओकेजन होता है उसमें हमेशा वो मुझे याद करती हैं। और जब उनको पता चला कि मैं उनके शहर में आई हूँ, तो पूरे शहर की महिलाएं जो हैं वो रोड पे आ गई स्वागत के लिए। 10 मिनट का रास्ता था लेकिन 2 घंटे लगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ आपको भी प्यार मिला? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज संडे था इसीलिए 2 घंटे लगे, नहीं तो 5 घंटे लगते। बिल्कुल सही बात है। हम ये बताएं, जिस प्रकार से आप पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और दिल्ली को साफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, पंजाब का नंबर आया, क्या अब हरियाणा का नंबर है? जी बिल्कुल, अब हरियाणा का नंबर है और बदलेगा हरियाणा। अभी नगर पालिका में भूपेंद्र जी खड़े हैं, आपके साथ थे, आपने भी बातचीत की, किस प्रकार के व्यक्तित्व लगा? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक आम आदमी को ही चुना है, वो कोई VIP नहीं है, बहुत ही सीधे साधे इंसान है, बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट है। अभी 19 जून को इलेक्शन होना है, तो क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, महेंद्रगढ़ की जनता से? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप भूपेंद्र जी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, क्योंकि आज की ये ताकत ही आगे हमारे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करेगी। और आज हमारा चेयरमैन जीतेगा, कल को हमारा विधायक जीतेगा और हरियाणा में और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे ज़्यादा मेहनत महेंद्रगढ़ में डॉक्टर मनीष जी कर रहे हैं, इनके बारे में क्या? जी बिल्कुल, मनीष जी हमारे आने वाले नेता हैं यूँ कह सकते हैं, क्योंकि ये उस ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। विधायक कह सकते हैं इनकी? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, तो जनता एक आईना होती है, उससे कुछ छुपा नहीं होता है। जी, क्या लगता है कितने वोट लगभग अब की बार मिल पाएंगे आम आदमी पार्टी को नगर पालिका इलेक्शन महेंद्रगढ़ में? देखिए, जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का वो बहुत अच्छा मिल रहा है और जीत पक्की होगी। थैंक यू मैम। जिस प्रकार से आपने देखा है सफर रहा, हाँ, आज का जो रोड शो था, अन्नू कादयान जी रोड शो में रही और अन्नू कादयान जी के आने से जो उत्साह आज पब्लिक में देखा गया आम आदमी पार्टी के प्रति, अब तक ये लगता था कि लोग छुपे हुए हैं घरों में, वोट के बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन आज सड़कों पर आकर उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन महेंद्रगढ़ नगर पालिका में बनेगा। महिलाओं का एक अलग से हुजूम लगातार अनु मैडम के पास आया, लगातार मालाएं, क्या कहेंगे, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं? बिल्कुल, महिलाएं, युवा साथी, जितना भी आपने कारवा देखा उसमें युवाओं का जोश और महिलाओं का जोश हमने लगातार देखा, और आम आदमी पार्टी से जो युवाओं का एक स्नेह है और जो महिलाओं का एक स्नेह है वो हमेशा बना रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, और हरियाणा में भी आपको बदलाव में जो अहम भूमिका है वो महिलाओं और युवाओं की नज़र आए। सर, जिस प्रकार से कल गुप्ता जी आए थे, आज अनु मैडम आई है, तो कल का क्या कार्यक्रम है? अभी कोई ऐसा निर्धारित कार्यक्रम सामने नहीं आया है, और जैसे ही आएगा तो हम समय समय पे आपको बताते हैं। लोगों की फरमाइश है कि एक बार केजरीवाल जी को महेंद्रगढ़ में बुलाया जाए। बिल्कुल, हम लोगों की ख्वाहिश और लोगों के विचार, जो लोगों की भावना है, उसकी कदर करते हैं, और हमने प्रयास भी किया है इस चीज़ पे, अगर उनका समय मिल पाया तो ज़रूर वो हमारे बीच में आएंगे। तो सर, क्या लगता है लोगों से मिल रहे हो, क्या रिस्पॉन्स है? आज तो लगातार टूट गए रिकॉर्ड सारे। बिल्कुल, आपने स्वयं देखा है, आपने कवर किया है, आम आदमी पार्टी के प्रति जो लोगों में आज उत्साह देखा गया है, कल भी उत्साह था, कल सुशील गुप्ता जी के लिए उत्साह था, आज अन्नू कादयान जी के लिए उत्साह था, कल किसी आज के लिए, हाँ, आज नहीं, कल किसी और के लिए जरूर, कोई ना जो भी आएंगे हमारे, मैं बताऊँगा आपको। और आज जो उत्साह था मेनली कल महिलाओं में इतना वो नहीं था, लेकिन आज महिलाओं में और युवाओं में जोश था अपनी कलाकार, अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंकी, उनके लिए, और आपने देखा होगा ये यहाँ से तय कर दिया है आज की जनता ने कि आने वाले समय में भाई भूपेंद्र गोयल भारी मतों से जीतने वाले हैं।